नमस्कार, मैं अब सोनी एस टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। किसान से 50,000 की लूट, बाइक सवार दो नकाबपोष बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। किसान का रास्ता रोक कर किया लूट। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले के डबरा में भारतीय स्टेट बैंक से 50,000 निकाल कर घर लौट रहे किसान से दो नकाबपोश बदमाशों ने तुलसी डी के पास किसान का रास्ता रोका और रखे हुए 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। जिस तरह लूट की वारदात हुई है उसे यह माना जा रहा है कि बदमाशों की पूरी नजर किसान पर रही होगी और वे डबरा SBI से पीछा करते ग्राम तुलसी डी तक पहुंचे और रास्ता रोक कर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं डबरा TI जितेंद्र बंजारे ने बताया कि किसान का बयान लिया गया है। किसान के अनुसार पुलिस जांच कर रही है, मुखबिर भी लगाया गया है, साथ ही CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है ताकि बदमाशों के बारे में कोई सुराग मिल सके। पिछले महीने में हुई लूट की वारदात को सुलझाने में पुलिस को CCTV फुटेज से बड़ी मदद मिली थी। आपको बता दें, डबरा क्षेत्र में बैंक से रुपए निकाल कर लौट रहे किसानों से पहले भी कई बार लूट हो चुकी है, बावजूद संदिग्ध लोगों को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। अभी किसान से लूट के ज्यादातर मामले इसी इलाके से सामने आए हैं। अब पुलिस के लिए इस लूट के मामले को सुलझाने की चुनौती है। उन्नीस को ग्राम बुढ़ापुर रहना निवासी मेघनाथ मैत्री स्टेट बैंक शाखा डबरा से अपने अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल कर अपने गांव वापस बुढ़ापुर रहना जा रहा था कि ज्वाली मोड़ तुलसीडी गांव में दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल में आकर उससे हाथापाई कर उसके 50,000 को लूट के कहीं फरार हो गए हैं। प्रार्थी की सूचना पर रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।